नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात करेंगे अदानी विलमार के शेयर के बारे में। इस शेयर की बात करूं तो इस स्टॉक पे मैं पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बुलिश होता हुआ दिखाऊं एंड आप सभी के साथ मैंने शॉर्ट टर्म में एक बाइंग रिकमेंडेशन भी दिया इस स्टॉक में। इसी शेयर से जुड़ी कुछ स्पेशल चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा और कल के सेशन में एक काफ़ी बड़ी अच्छी चीज़ भी होने वाली है शेयर में, वो भी आप सभी के साथ शेयर करूंगा कि क्या है वो चीज़ और आपको क्या खरीदना चाहिए, इस स्टॉक को क्या खरीदने का मौका है आप सभी के लिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अदानी विलमार के शेयर का प्राइस देख लेते हैं। फ्राइडे के सेशन में ये स्टॉक आपको 1755 के लेवल पे क्लोजिंग देता हुआ दिखाया, लगभग 10 रुपए की तेजी देखने को मिली है। 35 लाख शेयर्स ट्रेड हुए लगभग एंड 31 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है इस स्टॉक में। अब सवाल ये उठता है कि मैं इतना बुलिश क्यों और हूं, तो क्या टारगेट्स देख रहा हूं और अगर आपको खरीदना है तो क्या ये अच्छे लेवल है या थोड़ा गिरावट का वेट करें, क्योंकि बाजार तो आप सभी को पता है वॉलेटाइल हो रहा है, नीचे आ रहा है बार बार और डाउ जोन्स आप सभी ने देखे 500 पॉइंट्स गिरकर बंद हुए हैं। एसजीएक्स निफ्टी भी 150 पॉइंट्स की गिरावट शो कर रही है, तो क्या करना चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यार जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। अब मैं बात करता हूं अदानी विलमार के शेयर के बारे में। आप पहले अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स देखिए, आपको एक चीज कॉमन मिलेगी कि मैक्सिमम स्टॉक्स में 52 वीक और लाइफ टाइम हाई लग चुका है या फिर लग रहा है या फिर वो 52 वीक हाईस पे ही चल रहे हैं। केवल अदानी ग्रीन ऐसा है जो अभी रिसेंटली अपने हाईस पे नहीं गया और अच्छे खासे नीचे गिरावट में मिल रहा है आप सभी को, लेकिन बाकी मैक्सिमम स्टॉक हाईस पे ट्रेड कर रहे हैं और कहीं ना कहीं या फिर लगा के थोड़ा बहुत नीचे आ गए हैं। लाइक अदानी पावर अभी रिसेंटली इसने 52 वीक हाई लगाया, अभी नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन अदानी विलमार की बात करें तो इसने काफी लंबे समय कंसोलिडेट करने के बाद अब ये स्टॉक दोबारा ऊपर चलना शुरू हुआ है और इस स्टॉक का 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखें तो आपको इसके चार्ट से कहीं ना कहीं प्यार हो जाएगा, इतना प्यारा चार्ट पैटर्न है इस स्टॉक का। मैं पहले आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं दोस्तों, मैं अदानी ग्रुप के किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट पर्पस से बाइंग रिकमेंडेशन नहीं देता हूं, इसका मेरा पर्सनल खुद रीजन है। वो रीजन ये है कि मुझे इसके वैल्यूएशन समझ नहीं आते, मुझे आगे के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स लगती हैं और इसीलिए मैं इन्वेस्टमेंट पर्पस से बाय नहीं देता हूं। लेकिन मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में ही काफी बड़े बड़े प्रॉफिट्स आपके लिए बनवाता हूं। लाइक अदानी विलमार में भी मैंने आप सभी को लगभग 275 रुपीज से बाइंग स्टार्ट करवाई थी और 410 रुपए पे प्रॉफिट बुक कराया, तो इतना बड़ा टारगेट एक इन्वेस्टमेंट में भी आता है और इतना बड़ा एक ट्रेडिंग में आ रहा है तो क्या दिक्कत है। अब अदानी विलमार में भी 660-680 से आपके साथ बाय रिकमेंडेशन दी है, अभी मेरे को कहीं ना कहीं इस स्टॉक पे कंफर्मेशन हुई है बट मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल हो रहा है जिसलिए ये भी प्रेशर में आ रहा है। अदरवाइज इस स्टॉक का चार्ट देखेंगे आप तो कंटिन्यू हायर हाइज लगते हुए दिख रहे हैं आपको। स्टॉक चलता है फिर एक शार्प टिक देता है जहां पे हाई बनाता है, फिर नीचे आता है, फिर चलता है, फिर हाई बनाता है। अभी रिसेंटली जो इस स्टॉक ने हाई लगाया है वो 820 रुपीज का है, अभी ये स्टॉक 755 पे मिल रहा है। करना क्या चाहिए, क्या एसएल रखना चाहिए, सिंपल सी एक ही कंडीशन है इस स्टॉक में। अभी खरीदना चाहते हैं डेफिनेटली खरीदें, मार्केट की गिरावट में ये स्टॉक 1-2% से काम नहीं करता, ये जब भी चलता है तो 5% के ऊपर 5% नीचे इस हिसाब से मूवमेंट देता है, तो आप अगर रिस्क नहीं ले सकते हैं तो अवॉइड करें इस स्टॉक को। लेकिन अगर आप रिस्क ले सकते हैं, आप में पावर है एसएल पे काटने की, यानी अगर आपको लॉस दिख रहा है, आपको एसएल दिख रहा है काट रहे हैं, तो आप डेफिनेटली खरीद सकते हैं। लेकिन अगर एसएल आ रहा है, आपको लगता है नहीं यार ये स्टॉक अभी इस रीजन से गिर रहा है ऊपर आएगा, तो आप रोक भी सकते हैं। देखिए एक वाइज डिसीजन तभी लिया जाता है जब उस डिसीजन को आप ले रहे हो उससे पहले आप क्या बोलते हो, सोचना करना और समय के हिसाब से करना तीनों अलग अलग चीजें हैं, तो आपको समय के हिसाब से करना चाहिए, ठीक है। अभी मैं इस स्टॉक के बारे में बात करूं तो मुझे इस स्टॉक में जो पहला लेवल दिखता है वो लगभग 840 का दिखता है, दूसरा 880 का और ऑलमोस्ट ये स्टॉक 950 तक भी जा सकता है या फिर 4 डिजिट्स में आ सकता है, क्योंकि अगर 52 वीक हाई लगाएगा तो ऐसा नहीं है उसी के पास से लौट जाएगा, तो कहीं ना कहीं वहां से भी 5-7% की तेजी बन सकती है। लेकिन मेरे इसमें जो प्रॉपर टारगेट्स हैं वो टारगेट दोस्तों बन के आ रहे हैं 840 और 880 के, इन दो टारगेट्स के लिए मैं इसको बाय रिकमेंडेशन दे रहा हूं आप सभी को। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस के बारे में, तो पहला एसएल तो बन रहा है दोस्तों 700 का क्लोजिंग बेसिस पे, दूसरा 660 का, तो एसएल भी काफी बड़े हैं जैसा कि मैंने आप सभी को ऑलरेडी
ऑलरेडी बताया, स्टॉक वॉलेटाइल रहता है, नीचे भी मूव ज्यादा करता है, ऊपर भी मूव ज्यादा करता है, तो उसी हिसाब से आप इस स्टॉक में अपनी पोजीशन लगाएं अगर आप इतना लॉस बियर कर सकते हैं तो। अगर मैं आपको 730 का दूंगा, 35 का दूंगा, तो वो ट्रिगर हो जाएगा किसी भी बाजार की गिरावट में, सेम डे नीचे जाके सेम डे ऊपर हो जाएगा स्टॉक, तो वो मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा कुछ करें। इसीलिए आपके लिए SL भी बढ़ा है, और SL सिर्फ बढ़ा नहीं है, वहाँ सपोर्ट्स भी हैं स्टॉक के। इनफैक्ट 700 के नीचे तो हर 20 पॉइंट्स पे सपोर्ट है, लाइक 700, फिर 660, फिर 640, फिर 620, तो इस तरीके से सपोर्ट्स हैं स्टॉक के। मेरे हिसाब से स्टॉक नीचे नहीं जाएगा। हाँ, अगर 660 के नीचे निकलता है तो फिर एक कहीं ना कहीं एक रिवर्सल के संकेत हो जाएंगे, जो चार्ट पैटर्न है वो खराब हो जाएगा, फिर मैं ऐसा सोच सकता हूँ ठीक है अब एग्जिट ले लेना चाहिए, लॉस होना था, हो चुका है, सिंपल सी बात है, इस तरीके से आपको व्यू बना लेना चाहिए। तो ये मेरी वीडियो अदानी विलमार के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।